नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। पुलिस के दावों की निकली हवा, नशे पर नहीं लगा पा रही रोकथाम। बड़ी संख्या में युवा हो रहे हैं नशे की लत का शिकार, नाबालिग बच्चे भी इसका शिकार होते जा रहे हैं। नशीला पदार्थ चिट्टैक का सेवन करते हुए दो युवाओं को पकड़ा गया। रतिया के बाजार में सरेआम बेसमेंट में नशा ले रहे थे। पुलिस को दी गई सूचना, बच्चों को परिजनों के हवाले भी किया। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। नशीली पदार्थ की तस्करी की रोकथाम के लिए पुलिस भले ही लाखों दावे करती हो, मगर सच्चाई से कोसों दूर है। फतेहाबाद जिले में नशा सरेआम बिक रहा है। हीरोइन समेत और अनेक कई प्रकार के भयानक नशे युवाओं को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। बच्चों की नशों में ये अपना घर बनाता जा रहा है। हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि युवा बच्चे सरेआम नशा लेते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। ऐसा ही एक मामला फतेहाबाद के रतिया इलाके में देखने को मिला। बृहस्पतिवार को देर शाम को गौरक्षा दल के कुछ सदस्यों को सूचना मिली थी कि बाजार के एक बेसमेंट में कुछ युवा नशा कर रहे हैं। गौरक्षा दल के सदस्य वहां पर मौके पर पहुंचे और उन्होंने दो युवाओं को काबू किया। पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई और पेरेंट्स को भी बुलाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सिल्वर वाइल्स और लाइटर तथा कुछ अन्य सामान भी बरामद किया। इसके बाद बच्चों को अभिभावकों के हवाले कर दिया गया। अभिभावकों को डेडिकेशन सेंटर में दाखिल करवाने के लिए सलाह दी गई। बता दें कि फतेहाबाद में पंजाब से सटे हुए कुछ इलाकों में नशे की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। लोग, खासकर युवा, इस जानलेवा नशे का शिकार होते जा रहे हैं। पुलिस बार बार दावा करती है कि नशे की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है, मगर सच्चाई देखें तो स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत नजर आएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि नशे की रोकथाम के लिए पुलिस क्या प्रयास करती है। आपको बता दें कि नशे को लेकर के तत्कालीन SP संगीता कालिया और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की बीच कई बार तनातनी हो चुकी है। वहीं जब इस मामले में पुलिस अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि नशे की रोकथाम के लिए टीमें गठित की गई हैं तथा पुलिस का प्रयास रहेगा कि जिले में जल्द ही जिले को नशा मुक्त बनाया जाए। खासकर युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में अवगत कराया जाएगा और इसके लिए अलग अलग जगह पर जागरूकता कैंप भी लगाए जाएंगे। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। जी रतिया दे अंदर फतेहाबाद जिला मुंडे सरेआम चिट्टा पी रहे ने और पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, कोई इन्हों फट के अंदर नहीं कर रहा। इस टाइम होना सी 8:30-9 का टाइम है। दो मुंडे अभी चिट्टा फटते बेसमेंट च फड़े ने, ठीक है जी, और सरेआम चिट्टा विकता है, सरेआम लोग पीते हैं पूरे धड़ल्ले नाल, छोटी छोटी उम्र के नौजवान। इन्हों पर पुलिस कार्रवाई ठोक के होनी चाहिए है ताकि किसी का चिराग ना हो जाए। पुलिस दावे भी कर रही है भी ये नशे सीसी बंद करते पूरे जिले चो, की कहना है? बिल्कुल नहीं हो रहा जी, सारे नशे फुल बिक रहे हैं। तो रोडों के उत्ते मुंडे सरेआम 15-15, 16-16 साल की उम्र के मुंडे सरेआम चिट्टा पींदे ते बेचते फिरते हैं। अगर कोई फड़न वाला हो बिल्कुल फट सकता, पर कोई नकेल नहीं कसी की इन्हां दी। ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਖਸ਼ਾ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਡਬੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਟੋਲੀਆਂ ਬੰਨ ਬੰਨ ਕੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ, ਆਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਕੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੱਚੋ ਕੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਪਕੜਾਇਆ ਗੋਰਖਸ਼ਾ ਦਲ ਨੇ, ਕਿਆ ਮਾਮਲਾ ਥਾ ਜੀ ਔਰ ਕਿਆ ਉਸਮੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਗਈ? ਕਲਤਾਲਾ ਮੇਂ अभी एस एच ओ से पता किया है, वर्तमान जो एस एच ओ है जैसे राधा कृष्ण जी से मिला, अभी कल एक टेलीफोन प्राप्त हुआ थाने में, और थाने इस टेलीफोन का जो रामेश्वर एस आई वो लगा था, वो दो दल के मामले थे जो उसके बाद उसने एस एच ओ को पेश कर दिया था। वो कंज्यूम किया हुआ था, उनके पास कोई नार्कोटिक्स ड्रग्स वगैरह थे, इसलिए वो कह रहे थे भाई उनके घरवाना का हवाला कर दिया था, उसको डी एडिक्शन सेंटर जो है उसमें भर्ती करवाने के लिए
हिदायत दी गई। सर ये पंजाब के सटे एरिया के अंदर जो है लगातार नशे का व्यापार बढ़ रहा है, पुलिस लगातार दावा कर रही है कि वहाँ काबू किया जा रहा है, तो क्या परिस्थिति से बच्चे भी ये कंज्यूम करने लगे हैं, तो किस तरह की वहाँ पर कार्रवाई चल रही है? नहीं, डेली जो रतिया इलाके में रतिया जो स्पेशल स्टाफ हमारा स्थापित किया गया है और दोनों थाने हैं चुटकियाँ हैं वो सभी लगातार मतलब वहाँ जो तस्कर है उन पर एक मार जारी है और इसमें कामयाबी काफ़ी हद तक मिली हमें। और इस संबंध में कल श्रीमान एस पी साहब ने भी कल सभी एस एच ओ की चौकी इंचार्ज कमेटी ली थी और इस बारे में खास तौर से रतिया इलाके में और बीच में जो है टोहाना वगैरह में हिदायत दी गई थी कि इसमें जो नाकाबंदी है वो तेज की जा रही है और जो बॉर्डर के जो गांव हैं वहाँ पर खास निगरानी रखी जाए और इस संबंध में सभी जो सीआई स्टाफ है स्पेशल स्टाफ है एस एच ओ वगैरह सभी लगे हुए हैं और जल्दी ही इस पर काबू पा लिया जाएगा।